हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सत श्री अकाल, नमस्ते, केम छो, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। नहीं, ये भी नहीं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होगी ये नई वीडियो की शुरुआत आपके साथ। दिस वन इज, तो जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, लास्ट ब्लॉग में जो मेरी क्लास थी और मुझे डीएम शूज़ पॉलिश करने को बोले थे, बट उस दिन मुहर्रम था पिछले दिन, तो मैं डीएम शूज़ पॉलिश नहीं कर पाया क्योंकि क्लास भी नहीं थी। वो टाइम आ गया कि जहां मैं अपने डीएम शूज़ पॉलिश करूं और साथ में जो मेरी यूनिफॉर्म है, ऑफिशियल यूनिफॉर्म है, जो पर्सनल यूनिफॉर्म, को पहनने का भी टाइम आ गया। और पहली बार मैं अपनी यूनिफॉर्म को जो है वियर कर रहा हूं, क्योंकि अभी 15 अगस्त की परेड है तो उसके लिए तैयारियाँ चल रही है, तो यूनिफॉर्म में जाना हमारे लिए कंपलसरी है। सो अभी जो है टाइम 11:10 हो गए और हमारी क्लास जो है 12:15। ठीक, क्या क्या होता है आगे। ऑफिशियल ये वीडियो इसलिए होगी मेरी यूनिफॉर्म की, क्योंकि पहले जितनी भी परेड्स टाइम जो है मैंने अपने सीनियर की ड्रेस पहनी हुई है। आज जो है मैं फाइनली अपनी ड्रेस जो है पहनने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 12:15 पर अभी क्लास है, मतलब 12:05 या 10 पर मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो फर्स्टली व्हाट आई हैव टू डू, जस्ट शेव, क्लीन शेव, एंड सेकंड द ब्रेकफास्ट। आफ्टर दैट मैं तैयार होऊंगा और फिर उसके बाद मिलते हैं आपको। पहले हम शेव कर लेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर मिलते हैं आपको बाद। गाइस, ये रहा सारा का सारा शेविंग का मेरा सामान। गाइस, अभी साथ में मैं आटा मिला देता हूँ बाहर, क्योंकि रोटी भी मुझे बनानी पड़ी है सुबह। फ्रिज के अंदर लगाया था मैंने आटा। तो फाइनली गाइस, अभी जो मैंने शेव कर लिया और अभी बारी है डीएम शूज पॉलिश करने की। जो एक एक दो दो केजी के शूज हैं उनको देखो गाइस, ये है, अब इनको होगा पॉलिश। देखना अभी ऐसे हैं, अभी 2-3 बाद देखना। 3-2-1। ओ भाई, अभी जाके पॉलिश किए मैंने, 5 लगे पूरे, 5-10 और पूरे देखो चमक रहे हैं पूरे। गाइस, अभी जो है टाइम 11:32 हो गए हैं और अभी मैं खाना बनाऊंगा, फिर उसके बाद देखता हूँ तैयार होऊंगा जल्दी से, और 12:10 पे मुझे निकलना भी यहाँ से, पता नहीं कहीं लेट ना हो जाऊँ। तो अभी मिलता हूँ आपको खाना खाने के बाद। गाइस, ये बन रही हैं रोटियाँ, इतनी गोल गोल रोटियाँ बनाता हूँ मैं। सो फाइनली गाइस, अभी जो मैंने रोटियाँ बना ली है, और ये देखो दोबारा से कल की तरह हाल हो गया। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि रोटी बनाती बार बहुत गर्मी लगती है, और जो चूल्हों में खाना बनाते हैं उनका पता नहीं क्या ही हाल होता होगा। सो अभी मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद तैयार होता हूँ। और टाइम 11:45 हो गए हैं, 15 है मेरे पास बस। ये देखो, ये रोटियाँ बनी हुई और ये खाना है जो भी है, पनीर है। आधा ही खाया हुआ है मुंह में ही है। मैं लेट हो जाऊंगा क्लास को यार, हुआ और वो सबसे पहले पनिशमेंट देंगे यार, बहुत ज्यादा यार। कहां गए यार, इसके अंदर जो है सारा सेरेमोनियल सामान है। गाइस, अभी जो है मैंने चेन वगैरह सारी उतार दी, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी अलाउड नहीं है। और नेम प्लेट कहाँ लगती है यार, मैं भूल गया यार। बैज भी लगाने को है, 3-3 हाथ का, 3 उंगलियों का डिफरेंस होता है, लेकिन अब कैसे लगाऊं। गया मैं आज तो, गया ब्रो, पक्का गया मैं आज। वैसे भी जो आपको तैयार होने के बाद ही मिलता है सीधे, वरना मैं लेट हो जाऊंगा। गूगल पे देखता हूँ कहाँ पर क्या लगता है। सो गाइस, राइट साइड लगती है नेम प्लेट, मुझे पता नहीं लग रहा है यहाँ कुछ भी। पिन अंदर जा नहीं रहा।
वगैरह क्या देने अभी इसी दिन में। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना। बाकी पता नहीं वीडियो अपलोड करूँगा या नहीं, क्योंकि मेरे सीनियर भी हैं, वो भी देखेंगे तो वो बोलेंगे क्या कर रहा है, पूरी वीडियो बेकार करते हैं। बाकी देखते हैं। सो बाय।